आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन। शहीद भगत सिंह चौक पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चंपावत भाजपा मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग के शोषण का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं और युवतियों का शोषण होता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की बेटियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मेघ कंडारी ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकर्ता और पदाधिकारी महिलाओं और युवतियों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार बड़ी दुखद घटनाएं इस उत्तराखंड में लगातार होती रही हैं कि जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो भाजपा के कहीं ना कहीं जो मुख्य रूप से संरक्षक हैं या पार्टी के कार्यकर्ता रहे, कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम आता, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये शायद आज जनता को कुछ समझ ही नहीं रही है, क्योंकि मुझे देखता हूँ, जिस तरह से देखता हूँ, लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है EVM के चमत्कार से, तो इनको ये लगता है कि अब जनता के जो सरोकार है उनसे इनका कोई मायने ही नहीं रह गया। और आप देखिए, लगातार जो पुष्कर धामी सिंह है उनके ही विधानसभा का ये व्यक्ति है जिसने इस तरह से एक बेटी के साथ दुराचार किया है, और हम सख्त से सख्त मांग करते हैं इस व्यक्ति को तुरंत से तुरंत फांसी की कार्रवाई इसके साथ की जाए, जो तुरंत फांसी दी। देखिए, मैं आपको भी पहले भी कह चुका हूँ कि जो जनता के सरोकार है, जो स्थानीय निवासियों की जरूरत है, इस चीज़ से बीजेपी को इतने अहंकार में है कि आज इनको कोई मुद्दा दिखता ही नहीं है कि जो स्थानीय जनता इसको किसी चीज़ की आवश्यकता है। लगातार अपने घमंड में ये एक से एक बढ़ के एक तुगलकी फरमान प्रदेश पे लागू कर रहे हैं और कहीं भी जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। आप खुद देखिए, बेटी पढ़ाओ का जो नारा है इनका, देखिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि लगातार उत्तराखंड में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। नहीं मिल पाया उस तरह पुष्कर धामी का कोई ध्यान ही नहीं, उनका ध्यान तो यहाँ से किस तरह से इस प्रदेश को लूट लिया जाए और किस तरह से अपना भला किया जाए, इसी पे इनका ध्यान है। कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आपने यहाँ दहन किया है, क्या कुछ उद्देश्य करने का? देखिए, ये जो पुतला है ये भाजपा सरकार और जो भाजपा के मुख्यमंत्री है उनकी विधानसभा क्षेत्र चंपावत से, जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं कमल रावत, जिन्होंने कि एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया है, उनका पुतला दहन है। हम आपके माध्यम से ये भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे, क्योंकि ये जो बलात्कारी भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, ये मुख्यमंत्री की विधानसभा का मंडल अध्यक्ष है, इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस सरकार के और बहनों की बेटियों की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी है, वो जो है बेटियों का बलात्कार कर रही है और उन्हें प्रताड़ित कर रही है, और ये सरकार उसको संरक्षण दे रही है, तो इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है? भाजपा सरकार के रहते हुए पिछले साल जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसकी एक रिपोर्ट में आया है कि 907 बेटियों के साथ, माँ बहनों के साथ उत्तराखंड में एक साल में बलात्कार हुआ है, और 778 बेटियाँ, नाबालिग लड़कियाँ यहाँ से गुम हुई है। तो ये भाजपा सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है नेतृत्व में बलात्कारियों को, दलालों को, जो माँ बहन का सौदा करने वाले लोग हैं उनको जो है संरक्षण मिल रहा है, इसलिए इस सरकार की मौलिक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो तत्काल इस्तीफा दे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र के ये मंडल अध्यक्ष है, इसका मतलब वो इनको संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस जो कमल रावत वहाँ का अध्यक्ष है इसको फांसी की सजा होनी चाहिए।